Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. Today we are going to discuss about dissertation file in this video. आज हम डिस्कस करने वाले हैं dissertation file के बारे में. देखिए, MEd के अंदर आपको dissertation file अपने final semester में बनानी होती है. तो किस तरीके से ये dissertation file बनती है, क्या यहाँ पे रहता है इस dissertation file का format और actual में dissertation होता क्या है, तो सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से. और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. साथ में वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में लाइक शेयर जरूर करें और कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट भी कर सकते हैं. देखिए, डेजर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आप रिसर्च वर्क करते हैं, राइट? आप कोई भी प्रॉब्लम अपने इर्द गिर्द से उठाते हैं. ऑब्वियसली देखिए, एजुकेशन में हम बना रहे हैं इसको, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एजुकेशनल टॉपिक लेंगे, एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम लेंगे, राइट? और उसी के बेसिस पे जो है एजुकेशनल रिसर्च करेंगे. और ये डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च जो होती है, यही होती है डिसर्टेशन. इसको करने का एक फॉर्मल तरीका होता है, राइट? इसका एक प्रॉपरली फॉर्मेट होता है जिसमें आपको इस को तैयार करना होता है. एंड बहुत बार स्टूडेंट्स को देखिए एक डाउट रहता है कि यहाँ पे जो ये डिसर्टेशन है तो क्या इसको हैंड राइट करना है. सो लेट मी टेल यू, आपको इस डिसर्टेशन को हैंड राइट नहीं करना है. आप इस डिसर्टेशन को टाइप करते हैं एंड टाइप फॉर्मेट में, लाइक या तो आपको सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में या सीडी में सबमिट करनी होती है, मेल करनी होती है कॉलेजेस में, या आप यहाँ पे इसको हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट लेते हो इसका, और इसका एक जर्नल सा बना के, राइट, मतलब एक स्पाइरल बाइंडिंग करा के या फाइल में इसको प्रॉपरली रख के तो आपको ये सबमिट करनी होती है. मेरी एडवाइस हमेशा रहती है कि आप इसको बाइंडिंग कराएं एंड देन सबमिट करें, राइट? तो सबसे पहले बात करेंगे कवर पेज की. देखिए, कवर पेज आपका कुछ इस तरीके का कवर पेज होता है जिसपे आपको जो है, देखिए, डिसर्टेशन आप जिस टॉपिक पे बना रहे हैं वो लिखते हैं आप. साथ में आपको लिखना होता है सबमिटेड बाय, अपना नाम, एनरोलमेंट रोल नंबर, आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर. दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे आपको लिखना है आपका कॉलेज नेम कौन सा है, राइट? और कोई यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपका कॉलेज आता है तो उसका नाम आप मेंशन करेंगे, राइट? ओके. अब अंडर द सुपरविजन ऑफ, आपने किसके सुपरविजन में जो है इस रिसर्च वर्क को करा है, जो भी आपके यहाँ पे गाइड रहे हैं उनका नाम आपको मेंशन करना है प्रॉपरली, राइट? और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देंगे दैट येस, दिस रिसर्च वर्क इज पर्टिकुलरली डन बाय यू, राइट? ओके. फिर आपके देखिए सिग्नेचर आपको करने होते हैं. डेट उस दिन की आप डालें जिस दिन आप सबमिट करें इसको फॉर्मली अपने कॉलेज में, राइट? ओके. एंड नीचे आपके जो गाइड होंगे उनके यहाँ पे देखिए वो डिक्लेरेशन करेंगे और वो साइन करेंगे और वो यहाँ पे डेट पुट ऑन करेंगे. अब बहुत बार क्वेश्चन आता है गाइड, हु इज गाइड? देखिए, जिसके सुपरविजन में, जिसकी गाइडेंस के अंदर आप ये रिसर्च वर्क करते हैं. आप नए हैं, आपको नहीं पता है कि जो गाइड है लाइक रिसर्च वर्क करना कैसे है. सो डेफिनेटली आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है जो आपको कॉलेज की साइड से प्रोवाइड कराए जाते हैं. और अगर कॉलेज की साइड से नहीं प्रोवाइड कराए जाते, वैसे तो 99% करवाया जाएगा, अगर फिर भी नहीं करवाया जाता है सो आप जो है जिसने पहले रिसर्च वर्क किया हो उनकी हेल्प ले सकते हैं इस काम के लिए. अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आर टीम फॉर दैट, एंड वी आर गोइंग टू गाइड यू दैट हाउ यू नीड टू प्रिपेयर डिसर्टेशन. डिसर्टेशन प्रिपेयर करने का पूरा एक वीक का प्रोग्राम होता है, 7 डेज की क्लासेस है जिसके अंदर आपको प्रॉपरली गूगल मीट के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है डिसर्टेशन को कैसे प्रिपेयर करना है. तो जो स्टूडेंट्स जिनको कुछ नहीं पता है इसके बारे में और प्रॉपरली सीखना चाहते हैं डिसर्टेशन बनाना, सो यू मे कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर. अब आगे आते हैं, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं. अब कुछ इस तरीके से यू हैव टू राइट द एक्नॉलेजमेंट, राइट? एंड एक्नॉलेजमेंट लिखने के बाद देखिए इसमें भी आपको नाम, रोल नंबर अपना मेंशन करना है, बिकॉज दिस इज द रिसर्च वर्क. यू आर डिक्लेयरिंग दैट येस, दिस इज पर्टिकुलरली डन बाय यू. सो अगेन एंड अगेन आपको बार बार यहाँ पे मेंशन करवाया जा रहा है दैट येस, इट इज डन बाय यू. सो दिस इज, ये कुछ ऐसा वर्क है जिसको आपको लाइटली नहीं लेना है. रिसर्च जब आप किसी चीज पे करते हैं तो या तो आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अपडेट करते हैं या कुछ नया आप जो है नॉलेज की दुनिया में देते हैं.
हैं, जो आपका यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है. सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू यू और जिसको आपको बहुत सीरियसली लेना है, राइट? ओके, अब आते हैं कंटेंट पेज पे. तो देखिए कंटेंट पेज कुछ इस तरीके का होता है. इसमें आपके देखिए चैप्टर्स आपको डिवाइड करने होते हैं, मतलब कि आप अपनी पूरी डिसर्टेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. जैसे कि कोई हम एक बुक लेते हैं तो वो क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ पेजेस होते हैं, फिर बीच में, फिर चैप्टर्स होते हैं, या जैसे भी आपने उसको असेंबल करना है, राइट? हर बुक अपने अपने तरह की होती है, हर बुक की अपनी नीड और डिमांड होती है, राइट? सो इसी तरीके से डिसर्टेशन में भी है, आप इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे, राइट? जैसे कि यहां पे गिवन है कंटेंट पेज में, पहले है टाइटल पेज जो ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको दिखाया, फिर है सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर है एक्नॉलेजमेंट जो अगेन हम देख चुके हैं, और साथ में पेज नंबर मेंशन करने हैं दैट दिस इज ऑन पेज नंबर 1, दिस इज ऑन पेज नंबर 2, दिस इज ऑन पेज नंबर 3, राइट? इसके बाद आप आते हैं इंट्रोडक्शन पे. इंट्रोडक्शन जैसे कि जो डिसर्टेशन ये मेरी है यहाँ पे, ऑल्दो मैं इसका देखिए पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, विच इज अ पेड पीडीएफ, बिकॉज डिसर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी का रिसर्च वर्क होता है. आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके की डिसर्टेशन होती है, राइट? एंड अगर देखिए इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगी टॉपिक का क्या इसमें क्राइटेरिया रहता है, पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन आया. इंट्रोडक्शन आपका देखिए 5 से 6 पेजेस का रहता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9-10 पेजेस का भी जा सकता है, इससे ज्यादा का इंट्रोडक्शन नहीं रखना है आपको, राइट? जिसमें आप पूरा आपका जो टॉपिक है उसके बारे में अभी तक क्या रिसर्चेस हुई हैं एंड क्या उसके बारे में अभी तक चीजें हैं और आप क्या करेंगे अपने डिसर्टेशन में, वो आपको इंट्रोड्यूस, मतलब आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को एज पर नाउ, अभी तक जितना हुआ है और आपने क्या सोचा है, राइट? इसके बाद यहाँ पे थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये देखिए ये आ गया टॉपिक से रिलेटेड चीजें, ये हर डिसर्टेशन में अलग अलग होगा, टॉपिक के हिसाब से होगा. तो इस डिसर्टेशन में कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे जो आप पॉइंट नंबर 2 देख रहे हो, फिर पॉइंट नंबर 3 है, राइट? अब देखिए ये डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स जो है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक जो टूल्स यहाँ पे रिसर्च करने के लिए यूज किए हैं. लेट सपोज मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, उसके लिए मैं लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, तो मैंने क्या यूज, इंटरव्यू मेथड यूज किया. या हो सकता है मैं उसके लिए यूज कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन टेक्निक का, ऑब्जर्वेशन मेथड का, तो मैं वो कर सकती हूँ. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है सर्वे मेथड. तो सर्वे मेथड किया है तो उसके बारे में बताना, मतलब जो भी मेथड्स आपने डाटा कलेक्शन के लिए यहाँ पे यूज किए हैं उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है और प्रॉपरली उनको बताना है आपने इन लोगों का सर्वे किया, ये उनसे एनालिसिस मिले. सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लाइक पुट हियर इन द डिस्क्रिप्शन इन द डिटेल, राइट? ओके, नाउ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ऑफ द रिव्यू, इसको बेसिकली रिव्यू ऑफ द लिटरेचर बोलेंगे. जो बेसिकली होता है, देखिए अभी तक जो भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है अभी लाइक आप ही कर रहे हो, आप ही उसमें कुछ नया बताओगे, ऑलरेडी देखिए उसमें बहुत सारी जो है रिसर्चेस हुई होंगी अभी तक, राइट? तो आपको औरों की जो रिसर्च है उसको भी पढ़ना है, उससे भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और आपको फिर उसमें ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बताना है कि ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी है. देखिए अगर आप लाइक यहाँ पे उसको सीरियसली नहीं लेते हो, लाइक आप सीधा करने बैठ जाते हो और ऑलरेडी आपका जैसा काम, जैसा आपका दिमाग चला, जैसे आपने सोचा वैसे ऑलरेडी हो रखा है, तो आपके करने का कोई फायदा नहीं होगा. उसको बोला जाएगा कि आपने रेप्लीकेट कर दिया है, राइट? मतलब कॉपी कर दिया है, राइट? तो वो चीज नहीं करनी है, जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसको आपको दोबारा नहीं करना है, आपको अपनी ओरिजिनल रिसर्च करनी है. सो दैट इज व्हाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट है. आपको क्या करना है, पहले जो लोगों ने रिसर्च वर्क किया है, पहले जिन लोगों ने उस टॉपिक के लिए जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, आप उसको पढ़ेंगे, उसी को आप यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं, सो दैट उसका रेप्लीकेशन ना हो. बिकॉज अगर उसका रेप्लीकेशन होगा तो वो देखिए जो आपकी रिसर्च को पढ़ेगा उसके लिए भी कोई काम की नहीं होगी, और वो
कुछ नॉलेज की दुनिया में नया कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट? सो दैट इज वाई इम्पॉर्टेंट कि आप पहले देख लें कि भाई हुआ क्या क्या है, और ताकि आप दूसरे एंगल से सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स, उससे बाहर चीजें सोचे कि भाई इनकी रिसर्च में यहाँ पे ये चीज कमी रह गई, तो मैं अपनी में इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, राइट? तो ये चीज रहेगी. इसके बाद आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी. बेसिकली जो मेथड्स आपने यूज किए हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, ऊपर वाले में थर्ड पॉइंट में आप टूल्स लिखेंगे, राइट? एंड देन आपने मेथोडोलॉजी लिखी है. यहाँ पे लेट सपोज मैंने सर्वे कराई है, तो मैं प्रॉपरली बताऊंगी मैंने इस लोकेलिटी में सर्वे कराई इस तरह की, क्योंकि सर्वे के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट? मैंने इस तरह की अनग्रुप्ड सर्वे कराई, ये जो भी कराई, राइट? और उसमें मैंने ऐसे करके जो है लाइक सैम्पलिंग कराया या और कुछ कराया, तो उससे मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने डाटा को क्या कर रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो, डाटा आपको गैदर हुआ है, राइट? सो इसके बाद आता है कॉन्क्लूजन. अब देखिए, जो भी एनालाइजेशन आपने की है उसका निचोड़ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, क्या उससे पता चला, राइट? अगर मैं बोलूं मैंने 10 लोगों पे सर्वे की, कि 10 पेरेंट्स पे की, कि क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन से हैप्पी हैं या नहीं है, खुश हैं या नहीं है, तो मेरे को एक निचोड़ मिला होगा ना उस 10 लोगों पे वो सर्वे करने से, कि भाई एक्चुअल में चीज रही क्या है, राइट? क्या भारत के जो पेरेंट्स हैं वो इससे खुश हैं या नहीं है, राइट? और उसको मैं कंक्लूड करूंगी अपने कंक्लूजन में यहाँ पे लास्ट में, राइट? इसके बाद यहाँ पे बिब्लियोग्राफी. देखिए, अब सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे डाली है वो आपकी तो होगी नहीं, आपने डिफरेंट जो इंटरनेट के पेजेस हैं उनका यूज किया होगा, डिफरेंट बुक्स का यूज किया होगा, जर्नल्स का यूज किया होगा, या जिन्होंने पहले रिसर्च वर्क करा है, जो पब्लिश है और कुछ अनपब्लिश भी होंगी, तो उनका यूज किया होगा, राइट? जैसे कि मैंने कोई रिसर्च की है, अगर आप मेरी रिसर्च का यूज करते हैं तो आप लास्ट में मुझे रेफरेंस, मतलब बिब्लियोग्राफी में डालेंगे दैट यस, मैंने प्रिया सिग्रोहा का ये रिसर्च वर्क यूज किया है, राइट? और मैंने उसके बेसिस पे, ऐसे और सारे रिसर्च वर्क या और रेफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे मैंने अपना रिसर्च वर्क किया है. तो देखिए, रेफरेंसेस एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं जिनकी मदद से यस आपने एक बेस डेवलप किया है अपने जो है डिसर्टेशन के लिए, अपने थीसिस के लिए, राइट? सो ये चीज यहाँ पे बहुत जरूरी होती है. तो इस तरीके से कुछ बनती है डिसर्टेशन, राइट? एंड लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर इट. देखिए, अब बात करते हैं इसके टॉपिक की, ठीक है? अब देखिए, ये जो डिसर्टेशन है यहाँ पे, इसका टॉपिक पर्टिकुलरली ये है, मैंने आपको दिखा दिया, ये प्रॉपरली लाइक अनपब्लिश्ड है, ये पब्लिश नहीं हुई है अभी तक. मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ एज अ सैम्पल, अगर आप उसको देखना चाहें कैसी है कैसी नहीं है वो कर देख सकते हैं. एंड अब बात करते हैं टॉपिक की. देखिए, जनरली क्या होता है, रोल नंबर वाइज कॉलेज जो है आपको टॉपिक्स अलॉट करता है, राइट? अगर बाय चांस आपके कॉलेज ने आपको रोल नंबर अलॉट नहीं किया है, राइट? तो मतलब टॉपिक अलॉट नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर, और आपको बोलते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो, जो जनरली काफी सारी कॉलेजेस करते भी हैं, तो वहां पे देखिए आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट या इजी लगे टॉपिक, कि भाई अभी के टाइम में थोड़ा सा यूनिक क्या चल रहा है, मैं क्या ले सकता हूँ, तो आप उस पर डिसर्टेशन अपनी कर सकते हैं, राइट? आई हैव गिवन यू अ सैम्पल देयर, अगर आप चाहें तो उसी को रेफर करके, उसी में चेंजेस करके आप वो डिसर्टेशन भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अनपब्लिश्ड डिसर्टेशन है वो, राइट? उसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सेट आउट कर सकते हैं, लाइक 4 to 11 पेज में, अदरवाइज दैट इज कम्प्लीट, आप चाहें तो उसको यूज कर ले. एंड आफ्टर दिस, अगर आप किसी टॉपिक पे डिसर्टेशन करना चाहते हैं खुद से, तो देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि दैट हाउ वी नीड टू डू द डिसर्टेशन, राइट? क्योंकि इतना फॉर्मेट बता देना, इससे आपको एक रिव्यू मिला है, बट आपको एक्चुअल में जब आप करेंगे तो बहुत जगह अटकोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से किया जाए. और आप रियल में करना चाहते हो, आप सर्वेस करना चाहते हो, मेथड्स को लाइक अप्लाई करके कुछ सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्लासेस ले सकते हो. डिसर्टेशन का 7 डे का कोर्स है कि किस तरीके से आपको डिसर्टेशन प्रिपेयर करनी होती है. सो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम, फॉर दैट दिस इज द नंबर. 7 डे का कोर्स है, और इसमें आप अपनी डिसर्टेशन के बारे में सीखेंगे प्रॉपरली, कैसे बनाना है, किस पेज पे क्या करना है, और आप साथ साथ उन 7 दिनों अपना डिसर्टेशन करते भी रहेंगे. एंड जहां पे आप अटकते हैं वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपरली, एंड यू कैन यूज आर टीचर्स फॉर एज अ गाइड, राइट? तो वो आपके एज अ गाइड भी यहाँ पे बन जाएंगे. अदरवाइज कॉलेज से गाइड मिलता है तो वो भी वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहां से आपको गाइडेंस मिल रही है तो डेफिनेटली यू कैन
रेफर लाइक इन योर जो आपके डिसर्टेशन रहेगी उसमें आप उनके सिग्नेचर और उनका रेफरेंस देंगे कि ही वॉज माई पर्टिकुलर गाइड, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिसर्टेशन. एंड देखिए, जनरली जो डाउट्स रहते हैं मैंने सभी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है. एंड कैसे मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ वो भी मैंने बेस्ट यहाँ पे कोशिश की है कि मैं अपनी साइड से आप सभी को एक्सप्लेन कर पाऊँ. एंड फ्यूचर में आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोज, मोर लेक्चर्स अबाउट द डिसर्टेशन. बिकॉज डिसर्टेशन देखिए अपने आप में एक ऐसा वर्क है, जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना तो नहीं आएगा समझ. तभी मैंने आपको बोला कि 7 डे का जो कोर्स है उसके अंदर आप साथ साथ लाइक 1 घंटे की आपकी क्लास हुई, 1.5 घंटे की, उसमें आपने जो चीजें सीखी आप नेक्स्ट डे अपने पूरे दिन में वो चीजें अप्लाई कर रहे हो. लेट सपोज आपका सर्वे फॉर्म हमने रेडी करवा दिया है, मेथड रेडी करवा दिया, आप जा रहे हो एक लोकेलिटी में और सर्वे ले रहे हो. थोड़ा सा देखिए परेशानी होती है, थोड़ा सा हमें झिझक भी आती है, हेजिटेट भी करते हैं कि कैसे होगा. बट एक्चुअल में जब आप करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपको जो डाटाज मिलेंगे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और आपकी जो डेजर्टेशन होगी एक रियल डेजर्टेशन होगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पेपर पे डेजर्टेशन है, रियल डेजर्टेशन दैट मीन्स जिसको आपने प्रॉपरली किया है. आप चाहते हो तो आगे इसको पब्लिश भी करा सकते हो, नहीं करानी है लाइक कॉलेजेस अगर बोलते हैं तो कराओ, नहीं पड़ती है जरूरत तो वो आपकी विश है कि फिर भी आप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो. सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर योर डिसर्टेशन फाइल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का. धन्यवाद. जय हिंद.